वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग एमसीए बीसीए रिवाइज टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2021 एमसीए 024 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजीज एंड जावा प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन नंबर 3B को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपसे क्या कह रहा है, राइट अ जावा प्रोग्राम डेट ओवरलोड्स द फंक्शन सम डेट कंप्यूट्स द सम ऑफ टू इंटीजर्स एंड द सम ऑफ टू फ्लोट वैल्यूज। 5 मार्क्स का है, ठीक है। देखिए, हम आपको क्वेश्चन नंबर 3B बताने जा रहे हैं, लेकिन उस क्वेश्चन से आपके इसी पेपर के 2 क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। कौन कौन से, हम आपको वो भी बता देते हैं। एक तो आपसे ये पूछ रहा है, एक्सप्लेन Why the main method in Java is always static? ये concept. दूसरा, explain function overloading with the help of suitable example. ये आपके 3 क्वेश्चन इस 1 क्वेश्चन में कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। अब आ जाते हैं अपनी मेन प्रॉब्लम पर, ठीक है। तो हमें सिंपल सा इसमें करना क्या है, हमें एक जावा प्रोग्राम लिखना है जो फंक्शन ओवरलोडिंग को बताता हो, है ना, जिसमें फंक्शन का नाम सम होगा। यानी कि फंक्शन ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जब एक नाम का फंक्शन मल्टीपल टास्क परफॉर्म करे, तो वहां पर कॉन्सेप्ट आता है फंक्शन ओवरलोडिंग का, ठीक है। और अगर एक सिंगल ऑपरेटर मल्टीपल टास्क परफॉर्म करे, ठीक है, तो वहां पर कॉन्सेप्ट आता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग का, है ना। जैसे कि प्लस ऑपरेटर क्या करता है, 2 नंबर का सम भी करता है और 2 स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट भी करता है ना। तो वहां पर प्लस ऑपरेटर ऑपरेटर ओवरलोडिंग का काम कर रहा है ना। यहाँ पर आपका सम फंक्शन ओवरलोडिंग का काम करेगा, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर फंक्शन काम कर रहा है ओवरलोडिंग का, तो इसलिए कॉन्सेप्ट बन गया फंक्शन ओवरलोडिंग, है ना, जिसको हम लोग मेथड ओवरलोडिंग भी बोलते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें 2 फंक्शन डिफाइन करने हैं जिनका नाम सेम रहेगा सम, है ना, लेकिन उसमें जो पैरामीटर होंगे वो डिफरेंट डेटा टाइप के होंगे, ठीक है। एक में हम लोग इंटीजर टाइप के पास करेंगे और दूसरे में हम लोग फ्लोट टाइप के पास करेंगे। तो इसका प्रोग्राम हमने ऑलरेडी तैयार कर रखा है, बस केवल आपको समझाना है, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। तो देखिए, जैसे हम लोग सारे प्रोग्राम में करते हैं, यहाँ पर भी हमने क्लास बना ली सम, ठीक है, फिर यहाँ पर हमने मेन फंक्शन डिफाइन किया है। तो सबसे पहले इस लाइन का मतलब समझिए, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS, है ना। देखिए, यहाँ पर आपका एक मेन फंक्शन है, ठीक है, जिस तरीके से आपके घर में बहुत सारे गेट होते हैं उसमें एक मेन गेट होता है, वैसी सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कि यहाँ पर आपके बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं, लेकिन उसमें एक फंक्शन ऐसा होगा जो मेन फंक्शन होगा, जहाँ से आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। जैसा कि आपके घर में एंट्रेंस होता है ना, वहीं से आदमी एंटर करता है, ठीक, वैसे ही यहाँ पर आपका मेन फंक्शन है, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन से स्टार्ट होगा, इसलिए आपको मेन फंक्शन लिखना होगा, ठीक है। फिर उसके आगे void लिखने का क्या मतलब है, देखिए, उसके आगे void लिखने का मतलब ये है कि जब भी ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, जब भी ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा तो आफ्टर एग्जीक्यूशन, जब इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। अभी कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, किसको करेगा वो भी हम आपको बता दें। देखिए, जब भी कोई फंक्शन होता है वो अपने आप तो काम नहीं करता जब तक आप उसको कॉल ना कराएं, है ना। जैसे आपके घर में फैन लगाए, जब तक आप स्विच ऑन ना करें तब तक फैन चलेगा तो है नहीं, बस वही कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर भी आपका मेन फंक्शन है, लेकिन जब तक आप इसको कॉल नहीं करेंगे तब तक ये अपना काम नहीं स्टार्ट करेगा, ठीक है। और जो इसको कॉल करेगा उसको क्या ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो डिफाइन करता है void। अब void लिखने का मतलब ये है कि जिसने इसको कॉल किया है उसको ये आफ्टर एग्जीक्यूशन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, अब इसको कॉल कौन करता है, सिस्टम द्वारा कॉल किया जाता है ना, यानी कि इसको हम लोग खुद नहीं कॉल करते, सिस्टम द्वारा कॉल किया जाता है। अब बात करते हैं पब्लिक का क्या मतलब है। देखिए, जिस तरीके से आपका एक पर्सनल फोन होता है, मोबाइल होता है, जिसको आप ही केवल यूज करते हैं, है ना, कोई पब्लिक मेंबर नहीं यूज करता है, वैसी सेम काम यहाँ पर है। यहाँ पर पब्लिक लिखने का मतलब ये हो गया कि इस मेन फंक्शन को हमने पब्लिक बना दिया ताकि इस क्लास अलावा भी आउटसाइड ऑफ द क्लास इसको यूज किया जा सके, एक्सेस किया जा सके, है ना। तो इसलिए इसको पब्लिक करना जरूरी था, अगर ये प्राइवेट हो जाता तो इसको केवल और केवल सम क्लास ही यूज कर पाती। अच्छा, अब बात करते हैं ये स्ट्रिंग ARGS क्या है। देखिए, जब भी आप इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट देखें, आप समझ लीजिए यहाँ पर एरे पर वर्क किया जा रहा है, ठीक है, और ये एरे का नाम है, आप इस नाम को चेंज भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं आप ARGS ही लिखें, ठीक है, लेकिन एक जैसे नाम ना हो इसलिए हम लोग इसको नाम ही दे देते हैं ARGS arguments, है ना। अच्छा, ये डेटा टाइप है स्ट्रिंग, यानी कि ये जो मेन फंक्शन है वो पैरामीटर ले रहा है स्ट्रिंग टाइप की एरे, है ना, तो इसमें जो भी पैरामीटर पास करे जाएंगे
वो स्ट्रिंग टाइप के कंसीडर करे जाएंगे, और पहला आर्गुमेंट ARGS 0 पर होगा, फिर ARGS 1 पे, 2 पे, 3 से, क्योंकि एरे की इंडेक्सिंग जो होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, है ना। इतना बात हो गई। अब हम लोग बात करते हैं अपने स्टैटिक की, क्यों स्टैटिक लिखा जाता है मेन फंक्शन के आगे हमेशा, है ना, तो वो भी समझ लीजिए। आपने नोटिस किया होगा जब भी आप एक्सेस करते हैं, भले मेंबर हो भले मेंबर फंक्शन हो, ठीक है, आप क्या करते हैं, आप उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, यानी कि जिस क्लास में वो डिफाइन होता है उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, देन उस मेंबर को एक्सेस करते हैं, ठीक है। अब बताइए, क्या मेन फंक्शन को इन्वोक करने के लिए आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं, आप डायरेक्ट रन कराते हैं ना, बिल्कुल सही बात है। बस यही मेन रीजन है, इसके आगे स्टैटिक हमेशा लिखा हुआ देखेंगे कि हम ये जो मेन फंक्शन है इसको हम लोग विदाउट एनी ऑब्जेक्ट एक्सेस करते हैं, है ना, इसलिए इसके आगे स्टैटिक लिखा जाता है। जब भी आप प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, ये सिस्टम द्वारा कॉल किया जाता है, इसके लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है, क्लास के नेम से ही इसको एक्सेस कर लिया जाता है, यानी कि जिस फंक्शन के आगे स्टैटिक लिखा होगा उसके लिए आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं होगी, क्लास नेम के थ्रू ही उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई स्टैटिक की, तो आपका एक क्वेश्चन तो ये तैयार हो गया, स्टैटिक क्यों लिखा जाता है, है ना। अब आते हैं अपने मेन प्रॉब्लम पर। तो मेन प्रॉब्लम ये थी कि हमें दो इंटीजर का भी सम करना था और दो फ्लोट वैल्यूज का भी सम करना था, तो हमने यहाँ पर 3 इंटीजर वेरिएबल डिफाइन करे हैं और 3 फ्लोट वेरिएबल डिफाइन करे हैं, ठीक है, जिनमें ए और बी की वैल्यू हमने इनिशियलाइज कर दी है इंटीजर टाइप की 10 और 20, और फ्लोट टाइप की वैल्यू इनिशियलाइज कर दी है 2.5 और 6.7, ठीक है। और एक्स्ट्रा वेरिएबल सी और जेड क्यों लिए हैं, ताकि दो इंटीजर वैल्यू का रिजल्ट स्टोर कर सकें और दो फ्लोट वैल्यू का रिजल्ट स्टोर कर सकें, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन में हमने क्या किया है, नेक्स्ट लाइन में हमने सम फंक्शन को कॉल कराया है और उसमें दो पैरामीटर पास किए हैं, लेकिन दोनों पैरामीटर कैसे हैं, इंटीजर टाइप के, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर फंक्शन का नाम सम है लेकिन हम पैरामीटर इंटीजर टाइप के पास कर रहे हैं, और C इज इक्वल टू सम लिखने का मतलब ये हो गया कि आफ्टर एग्जीक्यूशन, यानी किसका एग्जीक्यूशन, जब सम फंक्शन अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा तो हमें कुछ वैल्यू रिटर्न, वो कैसी होगी, इंटीजर टाइप की, जिसको हमने C में स्टोर कराया है और उसको हमने यहाँ पर प्रिंट करा लिया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन में हमने क्या किया, फिर से सम फंक्शन को कॉल किया है, लेकिन इस बार हमने इंटीजर पैरामीटर नहीं पास करे बल्कि फ्लोट टाइप की वैल्यूज पास करी हैं, ठीक है, यानी एक्स और वाई को पास किया है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये सम फंक्शन दो पैरामीटर लेके जाएगा फ्लोट टाइप के, ठीक है। अब इतने सपने तो हमने देख लिए, हमने सम फंक्शन के अंदर इंटीजर पैरामीटर भी पास करा दिया, फ्लोट पैरामीटर भी पास करा दिया, और सी इक्वल टू स्टोर करने के लिए भी वैल्यू रख ली, लेकिन भैया जब तक ये सम फंक्शन डिफाइन नहीं होगा तब तक इसका कोई मतलब रह जाता है, नहीं रह जाता। तो पहले तो सम फंक्शन डिफाइन भी होने चाहिए ना, जो दो इंटीजर पैरामीटर भी एक्सेप्ट करते हो और दो फ्लोट टाइप के पैरामीटर भी एक्सेप्ट करते हो। तो हमने क्या किया, यहाँ पर दो स्टैटिक फंक्शन और डिफाइन करे और सबको पब्लिक बनाया है, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक इंट सम और पब्लिक स्टैटिक फ्लोट सम। देखिए फंक्शन के नाम हमने सम रखे क्योंकि हमें ओवरलोड करना था सम फंक्शन को, है ना, तो और लेकिन 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 हमने दोनों में जो पैरामीटर रखे हैं फॉर्मल पैरामीटर वो क्या रखे हैं, इंटीजर टाइप के एक में रखे हैं और दूसरे में फ्लोट टाइप के रखे हैं, ठीक है। यहाँ पर इंटीजर यू इंटीजर वी रखा है, यहाँ पर फ्लोट एफ फ्लोट जी रखा है, ठीक है, और क्या सिंपल करके दे रहा है, यहाँ पर ये पहला सम फंक्शन यू और बी को जोड़ रहा है, ठीक है, ऐड करके दे रहा है और उसको रिटर्न कर दे रहा है, जिसको हम लोग सी में स्टोर करा रहे हैं, और ये दूसरा जो फंक्शन है सम का वो दो फ्लोट वैल्यू को ऐड कर रहा है और उसका रिजल्ट हमें रिटर्न कर रहा है, जिसको हम लोग जेड में स्टोर करा रहे हैं। ये कहानी थी। तो ये देखिए ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है, यानी कि आपने फंक्शन तो सम लिखा लेकिन उसमें पैरामीटर डिफरेंट दे दिए, ठीक है, यानी कि इसमें दोनों इंटीजर टाइप के हो गए, इसमें दोनों फ्लोट टाइप के हो गए, या ये भी हो सकता था कि एक इंटीजर एक फ्लोट होता, है ना, या हो सकता था कि कोई पैरामीटर ना लेता, हो सकता है 3 पैरामीटर ले रहा होता, है ना, तो आप कैसे भी फंक्शन ओवरलोडिंग में दिखा सकते हैं, लेकिन फंक्शन का नाम सेम रखेंगे, ठीक है। अब चलिए, इस फाइल को हमने सेव कर रखा है sum.java नाम से, क्यों, क्योंकि क्लास का नाम सम है जिसमें मेन फंक्शन डिफाइन है। देखिए आपकी बहुत सारी क्लासेस हो सकती हैं लेकिन आप फाइल को वो नाम देंगे जिसमें आपका मेन फंक्शन डिफाइन होगा, और मेन फंक्शन किस क्लास में डिफाइन है, सम क्लास में, तो आप फाइल का नाम sum.java देंगे। तो हमने यहाँ पर sum.java फाइल का नाम दे दिया, ठीक है। अब इसको रन करा के भी दिखा देते हैं। देखिए अभी रन कमांड ओपन कर रहे हैं, तो देखिए सी विंडोज सिस्टम 32 में है, ठीक है। हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर सपोज सेव एज में गए,
ठीक है, हमने यहाँ से इसका पाथ कॉपी कर लिया, ठीक है, और इसको क्लोज कर दिया। और हमें ये डायरेक्टली चेंज करनी है तो यहाँ पर हम सीडी कमांड चलाएंगे और अपना वो पाथ यहाँ पर पेस्ट कर देंगे राइट क्लिक करके और एंटर कर देंगे। अब देखिए डायरेक्टरी चेंज हो गई, अब आप बिन डायरेक्टरी के अंदर आ गए हैं। अब आपको सिंपल सा काम क्या करना है, आपको JAVAC लिखना है जावा कंपाइलर, और फाइल का नाम लिख देना है सम डॉट जावा एक्सटेंशन, जरूर लिखना है। जब भी आप कंपाइल कराएंगे तो जावा सी से कराएंगे और फाइल के नेम के साथ आपको एक्सटेंशन लिखना होगा। अगर प्रोग्राम में कोई एरर नहीं होगी तो ये सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा, अदरवाइज ये आपको एरर जनरेट करके देगा। तो देखिए ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, अब इसको आपको रन कराना है। तो आप सिंपल से काम क्या करेंगे, अब आपको जावा एक्सटेंशन देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, और यहाँ से सी हटा देंगे। जावा इंटरप्रेटर जरूरत होगी तो यहाँ पर जावा इंटरप्रेटर का यूज़ किया और सम क्लास लिख दी, है ना, क्योंकि जब भी आप कंपाइल कराते हैं तो ये यहाँ पर सम नाम की क्लास जनरेट कर देता है। एंटर कर दीजिए, तो देखिए आपका रिजल्ट आ गया, सम ऑफ टू इंटीजर वैल्यूज इज 30 और सम ऑफ टू फ्लोट वैल्यूज इज 9.2। आनी भी चाहिए थी क्योंकि हमने वैल्यूज क्या ली थी, ए की वैल्यू 10 ली थी, बी की वैल्यू 20 ली थी, तो रिजल्ट आ गया 30, और हमने फ्लोट वैल्यूज क्या ली थी 2.5 और 6.7f, है ना, तो यहाँ पर देखिए 9.2 आ गया जब दोनों को ऐड करेंगे। देखिए एफ जरूर लिखिएगा, है ना, नहीं तो एरर जनरेट कर देगा। तो ये कहानी थी आपकी, आई थिंक आपको सारी स्टेप्स क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको फिर भी किसी स्टेप में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, साथ ही साथ आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।